तो भाई, राम राम, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल समय का टायर फिटनेस। जय श्री राम दोस्तों एंड राधे राधे। एंड भाई, अपनी मॉर्निंग हो चुके कार्डियो रैप्स डन। और भाई, आज एक चीज़ और बता दूं, आज करेक्ट मेरा वेट आया 94। तो अराउंड मेरे को 4 वीक हो गए हैं सप्लीमेंट छोड़ते हुए, और ऑटोमेटिकली वेट और डाउन आ रहा है मेरा। तो 94 आ गया है, जो कि मेरे को 100 रखना था, पर 100 नहीं हो पा रहा है विदाउट एनी सप्लीमेंट। तो भाई, ये रीजन होता है सप्लीमेंट छोड़ने से, आपका वेट डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। वेट डाउन आ जाएगा तो आपकी मसल्स की मैच्योरिटी कम हो जाएगी। देखो, पहले मसल्स की मैच्योरिटी थोड़ी फुलावट में थोड़ी ज्यादा लगती थी, अब थोड़ी कम है। वो इस रीजन से है क्योंकि आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे रिकवरी आप डाइट से नहीं कर पाते भाई, सप्लीमेंट की नीड इसलिए होती है। जो क्रिएटिन लेवल आप जितना भी नॉन वेज में ले लो, वेज वेज में तो क्रिएटिन लेवल होता ही नहीं है। तो क्रिएटिन बढ़ाने से ही आपके थोड़ी मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, और थोड़ी मसल्स में स्ट्रेंथ उतनी है, मतलब जितना मैं वेट उसमें मार रहा हूँ उतना ही वेट अभी भी मार रहा हूँ, पर फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही है यार। तो डाइट तो मेरी पूरी है, पर एक रीजन है जो सप्लीमेंट छोड़ने का, वो था लीवर को अच्छा मेंटेन करना। अब लीवर को इतना बढ़िया मेंटेन कर दिया, अब ऑटोमेटिकली कल मेरे को ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा लीवर की रिपोर्ट कैसी है कैसी नहीं है, और कितना अच्छा हुआ है इम्प्रूव, वो और बता दूंगा। क्योंकि तो सप्लीमेंट हमें छोड़ना पड़ता है इस रीजन से कि हमारे जो इनर ऑर्गन्स है वो अच्छे हेल्दी रहे। तो फटाफट से अपनी मील ले लेते हैं। और भाई, आज मैडम की थोड़ी तबीयत खराब है, बात सो ही रही है, तो चलो आपको दिखाते हैं। सो जाए, चल रहे तो देख रहे हो भाई, उठा ही था, 10 बज रहे हैं। कल का नहीं बताओ, कल 8 बजे से जगी हुई हूँ। क्यों? सुबह के 8 बजे से। वो तो मैं भी जगा हुआ था। और आपने क्या किया फिर सासा? अब बैठे रहेंगे 10 बार। अब मैं तू एक बार कहाँ बैठी हूँ? बार वही तो बैठी रही ना, फिर एक बार हाँ। और आप मैं इधर उधर टोल रहा था। फिर भी आप कमरे में थे रात में भी, शाम को भी। शाम को भी? हाँ। ये सी मैं बना, और क्या, मैं बेवकूफ हूँ यार? तू मेरी प्यारी बेबी है, ठीक है, लड़ा मत कर बस। कॉफी मांगे दो? नहीं तो तू उठ जाएगी। उठ जाएगी, नींद खुल जाएगी। अंजीर ले ली? ठंडा है वो, ले ले चले। तो ऐसा करना, लस्सी भी मिला, एक गिलास लस्सी में चीनी डाल के पीते हैं। वो पी ले। कैसी शक्ल हो रही है इसमें? ज्यादा काम कर ले ऐसे हो जाते। काम कर रहे हैं? काम तो बहुत बहुत भाई, बहुत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो चलो जी, इसको कॉफी वॉफी बना के देते हैं, फिर रेस्ट करें। छाछ दे दो। छाछ छाछ दे दो, ठीक है। तो भाई, कल ये वाला गेट तो दिखाई दे रहा, अब अंदर वाला गेट और दिखाई दे रहा। कुछ नहीं लिखवाना है नहीं। मेन गेट पे होना चाहिए। और भाई, कल की हालत दिखाई एक बार गाड़ी की यार। लेट जाओ, ऐसे ऐसे कर दो। हाँ, ऐसे ऐसे करके साफ कर दो। कल ये कैसे हिल रही थी, कैसे हिल रही थी जानी? एक हाथ चला रहा ना मुंह कर कर। आंगन देख लो भाई कितना गंदा, कल ही मैंने झाड़ू लगाया जब दिखाया था शाम को साफ करने का, हालत देखो। अब मैं इसको शाम में धोऊंगी, देखती हूँ। शाम में धो लिया, अब रेस्ट करते हैं। छोड़ दे। काना छोटा सा छोटी सी राधा, काना नटखट सा बोली सी राधा, आ जा इधर। लगा दूँ? तुम सच में नटखट ही हो, चलो अंदर। अब मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए दे दो, ठीक है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या चले, चल जो
ये लगा दिया मैंने इधर उसी में ऐसा जब तक फर्श नहीं होगा ना साफ, वो निकलता ही रहेगा क्योंकि ऊपर से ये दीवार से आ रहा ना ये रोज आता है नीचे निकल निकल के, इसका कुछ नहीं कर सकते। पर्दों से मिल गया हमारा गेट, पर्दों से गेट मिल गया हमारा। ऐसे पर्दे लाने पड़ेंगे। चलो अब वो फाइनल हटाओ। ये भी मैं हटाऊं? और वो तो खाना आता होगा। उसको बाहर झाड़ना, यहाँ नहीं। बोल दो। नीचे रख दो। मैं सर पे रख दो। तेरे उस पर रख लो। आज भाई इन्होंने ही पूजा की है और ये इन्होंने ही सब कुछ किया है। किधर गए भाई? अभी तो यहीं थे। ओह माय गॉड, वेरी गुड। चलो अच्छा है, कोई तो इस घर में कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा है मेरे से देख देख के। सारे पेड़ों को पानी दे देना। पाइप नहीं है ना, उससे ही दे दो। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर या प्यार इधर और कर भाई। इसको अब भूख लगी है, किसी की भूख लगी है इतने, इसने खाना है। इडली डोसा खा लेना, इडली डोसा खा ले। नहीं, नहीं। क्या खाई थी? छोले भटूरे खाई थी। वही ठीक है। मामा उसको करा दो। हाँ वो छोटे वाला। छोटे वाला। मामा उसको करा दो। सेवेंटी तो बड़े। कैश दे दो। जो भाई ये कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते मत दिया करो। एक चीज तो अच्छी, मैंने ये सब छोड़ दिया पीना। तू आज क्या है? आज तो कुछ भी नहीं है। मैडम को डोमिनोज लाए, डोमिनोज खाने की चाह हुई है मैडम को। चलो जी, मैडम को डोमिनोज खिला देते हैं, क्या कह रहा है। और भाई वो वाला क्या बोला भाई? आज मैडम की एक सबसे बढ़िया बात बताई एक शॉपकीपर ने। घर वाला कभी आपकी अच्छी बात अच्छा ही नहीं करेगा, कोई दूसरा बच्चा ही करेगा। और आपको बाहर अच्छा सुनने को मिल रहा है तो वो रियल है। में कहीं तो कुछ सच्चाई है उसमें, ये तो अच्छा लगा। तो भाई उस शॉपकीपर ने बोला क्या, मैं बता देता हूँ। मैं साइड में बैठा हुआ था, ये सारे पेच पूछ खोल के देख रही थी, लगा के भी देख रही थी। तो वो कह रहा भैया आप बहुत खुशनसीब हो कि भाई ऐसी बीवी मिली है कि ये सारी चीज चेक कर रही है। उनको और लाया क्यों इसने? तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुन के मतलब ऐसा लगा कि भाई एक आपके लिए अच्छा पार्टनर और एक समझदार पार्टनर आपके साथ होने के बाद इस दुनिया में आने के बाद आपके पेरेंट्स, और आपको वो नहीं रोक रहे गलत चीज के लिए। समझ लो आपको पेरेंट्स भी सही नहीं है।
भाई बहन, अगर वो भी गलत के लिए रोक ले संबंध, वो भी सही नहीं है। और बीवी अगर वो भी नहीं रोक रही गलत के लिए, मतलब वो भी सही नहीं है। जो आपको गलत करने से रोके और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करे, इंसान हमेशा वही सही होता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर। ये तो बात है। चलो भाई मैडम, वो डोमिनोज का पिज्जा, वो भी रेगुलर साइज, ज्यादा बड़ा खाती नहीं है, ये एक खाएगी उसी में इसका पेट भर जाता है, तो इसको लेने चलते जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चाबियां दे दी मेरी बड़ी दीदी की। पन्नी ऐसे मत फाड़ो, गंदा हो जाएगा नीचे यार। मैं भी करूँ फटेगा ही ऐसे। ऐसे फटेगा तो ये ऐसे रुकेगा। क्या जूते भेजे क्या? नहीं, सैशे। कप प्लेट भेजे? हाँ, कुछ तो मिल जाएगा। सॉसर भेजा? क्या भेजे? सॉसर मिले, हील भेजी है। अब सही होगी ये सारी ट्रीटमेंट? पर उस वाली, उसने ट्रेडमिल ने धोखा दिया, आने का चल गई और वैसे नहीं चल रही थी सुबह सुबह। इंसान और सामान कभी भी बेइज्जती करवा सकता है। और स्टॉप और वो वाली बटन सही चल रही है अब? तो भाई आधे घंटे से जिम पे बैठे हुए थे, जब याद नहीं आई सब्जी, अब याद आई है। कितने बज रहे हैं? साढ़े दस बजे सब्जी लेने आए हैं, और इसके बाद चलते भाई अपने घर पे, फिर जल्दी जाकर खाना। हाँ गाजर खाली, गाजर ले लेना। और गाजर बढ़िया जितना लग रही यार ये चलो जी देखते हैं। तो भाई फाइनली 11:15 बज गए, खाना बनाते अब रेडी हुआ है खाना, जो कि मेरी राइस, चिकन एंड साथ में पपीता और सलाद। तो भाई ये मेरी मील है, और मैडम भी मील देख लो भाई, म्यूसली, आज म्यूसली खाएगी। इससे पूछता हूँ म्यूसली खाएगी या नहीं खाएगी, देखते हैं। और नहीं खाएगी तो मैं ही खा लूँगा, कोई दिक्कत ना है, म्यूसली तो खा ही सकता हूँ मैं। तो चलो जी, मैडम को आने, तो मैडम से रिव्यू पूछता हूँ आज का, क्या हुआ गया आज इसके साथ। हाँ भाई, ये वाला गेट बंद करो पहले। मैं यूँ पूछ रहा हूँ, आज 10:30 बजे तूने बोला सब्जी लेने चलते, क्यों भाई? तो वो ही तो कह रहा था, आज भी उसने खा लोगे आप? डेली खा लिया करो। थैंक यू सो मच, चल अब खा ले फटाफट। तो चलो जी भाई, इस वीडियो को ये एंड करते हैं और आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। सी ग्राम दोस्तों, कभी तो को बताया था ना ये कुंडी टूट गई, तो कहते हैं उस दुकान वाले को, बोलते ऐसा ना कई बार करता है क्या तू, उसे गुस्सा आ गया। चलो टाटा।